जालौन में भूमाफियाओं का आतंक जेसीबी लेकर पहुंचे भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा किया तो वही पीड़ित परिवार मुशाब की आस में जिलाधिकारी कार्यालय उरही में धरने पर बैठ गया, पेट्रोल डालने का प्रयास किया। पीड़ित परिवार ने एक दिन पहले जिला प्रशासन और पुलिस को जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किए जाने की सूचना दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि काजू सेठ उर्फ मनीष अग्रवाल और उसके एक दर्जन साथियों पर भूतपूर्व सैनिक की कब्जा करने का आरोप है। जिलाधिकारी कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर बेखौफ भूमाफिया ने दलित की जमीन पर कब्जा किया, जबकि उच्च न्यायालय में जमीन का मुकदमा विचाराधीन है। फिलहाल पूरा मामला वही कोतवाली क्षेत्र के लहारियापुरवा का बताया जा रहा है। ये पेट्रोल डाला है, क्या क्या मसला है, क्यों पेट्रोल डाला, आत्महत्या करने का प्रयास करा है? इसलिए के साहब दबंग वो है भूमि माफिया काजू सेठ, उन्होंने मेरी जमीन में कल कब्जा किया जबरदस्ती से। और साहब हम जब रिपोर्ट करने के लिए दौड़े तो साहब गुंडे भी उनके साथ में थे और गुंडों ने हमें अपशब्द बोले, लेकिन हम गए। जाने के बाद में वहाँ से भागे तो हम साहब एसपी साहब के पास में गए, लेकिन एसपी साहब ना मिलने के कारण से फिर हमें कोतवाली जाना पड़ा। कोतवाली गए तो वहाँ ये फैसला किया गया श्रीमान जी के अब 3 दिन तक अपने अपने कागज़ पेश करें। तो हमने बोला साहब मेरे पास तो यही कागज़ हैं, अब उनके पास में कौन से कागज़ हैं ये जानकारी नहीं है। तो उन्होंने बोला 3 दिन काम नहीं लगाएंगे। हमने बोला ठीक है सर, वापस आए तो माँ बहन से नीचे नहीं उतरे, आने के बाद में साले जमीन पर गए तो गोली मार देंगे, अगर आगे बढ़े तो गोली मार देंगे, अगर कहीं भी गए तो गोली मार देंगे, इससे अच्छा यही है कि आत्महत्या करके मर जाए, क्योंकि कहीं जाने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि कहीं भी जाओगे गोली मार देंगे। अब बताए ना तो मैं मुख्यमंत्री के पास में जा सकता हूँ ना। जमीन है कितनी, जमीन पर कब्जा करने आए? जी 2 एकड़ 34 जिसमें मेरी जमीन है श्रीमान, और ये मेरी पुश्तैनी है 100 साल पुरानी, और ये सन इंडिया के पीछे जमीन है, रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे। साहब ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, और साहब हमें कहीं भी जाने, शासन और प्रशासन के पास भी नहीं जाने दे रहे ना, मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रहे साहब, इससे आत्महत्या करके मर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वाल्मीकि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या समस्या? हमारी जमीन पर कल कब्जा कर लिया गया सर, हमारे साथ में अत्याचार हो रहा, मेरी पुश्तैनी जमीन पर काजू सेठ और उनके गुंडे आए साहब, हमें मारपीट करी, गाली गलौज करी, और साहब धक्का मुक्की करके मेरी जमीन में कब्जा किया सर। जब हमने मना किया तो कोई सुनने वाला नहीं सर हमारा, पुलिस प्रशासन को भी बताया कोई सुनने वाला नहीं सर हमारा। जब हमारा सुनने वाला नहीं तो हमने सोचा कि सरकार को क्यों ना बता दें। सरकार जब गुंडे माफियाओं को सरकारी ज़मीन पर कब्जा ना करने के लिए मत कह रही है, लेकिन हमारी तो पर्सनल ज़मीन है साहब, लेकिन हमारी खुद की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है साहब। हम सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि साहब मेरी ज़मीन को छुड़वाया जाए गुंडे माफियाओं से, और साहब मुझे मेरी ज़मीन वापस दिलवाई जाए। तो श्रीमान जी हम खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, हमारी साहब खुद की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है साहब, ऐसी सरकार, इतनी अच्छी सरकार होते हुए भी हमारी सरकार ने हमारे साथ में बहुत ही अच्छा किया, आज खाना धन सब कुछ मिल रहा है साहब, लेकिन हमारी सरकार ने हमारी ज़मीन छुड़वा रहे हैं साहब। ये लोग गुंडे माफिया मेरे ऊपर कब्जा कर रहे हैं साहब, मुझे मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा फसाद कर रहे हैं, मुझे भगा दे रहे हैं, यहाँ तक कि साहब हमारा खाना पीना दुश्वार कर दिया इन लोगों ने। कह रहे थे हम तुम्हें फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, हम तुम्हें भून देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। साहब हमें तो बहुत परेशान कर लिया सर, हमारी कोई सुनने धुनने वाला नहीं है साहब। श्रीमान जी से प्रार्थना है, मेरे निवेदन करते हैं कि मेरी मुझे ज़मीन वापस दिलवाई जाए, और गुंडे माफियाओं को उनके किए का जो भी सज़ा उनको मुकर्रर की जाए साहब, उनके हिसाब से की जाए। हमारी प्रार्थना है सरकार आपसे कि मेरी प्रार्थना आप तक पहुंचाई जाए। इसकी सूचना आपने आला अधिकारियों को दी? जी सर, एसपी साहब तो छुट्टी पर थे साहब, एडिशनल साहब भी छुट्टी पर थे, तो साहब अब हमने सोचा कि ऑफिस में आकर के डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, तो साहब आए हैं, हम बैठे हैं धरने पर ज्ञापन देने के लिए उद्देश्य से बैठे हैं सर। बोलना नहीं भाई, बोलना नहीं, ठीक है? क्या नाम है आपका? मीरा देवी। आप यहाँ धरने पे बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? हम जमीन के लिए बैठे, हमारी जमीन में काजू सेठ कब्जा कर रहा है। हाँ, किस जगह जमीन है आपकी? सन इंडिया के बगल में। अब आप क्या चाहती हैं? हम जो चाहते हैं कि हमारी जमीन सरकार मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।